वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि गेम में ऑटोगन कैसे चलाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अब। तो अब अगर आपके सामने कोई बंदा आता है, ये मत देखना कि सिंगल पर्सन को मारना है, गन रखो दोनों बंदे पे। अगर सिंगल पे रखी तो दूसरा आपको मार देगा। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, देखो आगे चलते थोड़ा, अगर बंदे मिल जाए तो। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगर देखो सिंगल पर्सन आएगा, यहाँ पर आया, अब इसको मारना। अगर यहाँ सिंगल की जगह डबल होती तो दोनों को मारना चाहिए था, ठीक है। अब दूर दूर खड़े बंद। तो गाइस एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपके सामने कोई बंदा आता है तो उस पर गोली चलाए जाओ। अगर वो दूर खड़ा है, जब भी अगर गोली रोक ली ना आपने तो आपको मार देगा कहीं ना कहीं से आके। इसीलिए गोली मतलब चलाओ तो, लेकिन थोड़ा देख के कि बंदा आ रहा है, नहीं आ रहा है छोड़ दो, जाने दो। भाई मेरी एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, उस जो गन का पॉइंट है ना उसको उसके हेड पे रखना ताकि उसके हेड लगे। अगर ये बंदा आएगा वापस, इसे मारना है अभी। ये आया, अब जैसे आपके पैरों के साइड है सिर्फ इसके हेड मारने की कोशिश करो, ऐसे नहीं कि देखो जैसे मारा है हमने। तो यही मैं कह, जैसे कि आप देखो हम चला रहे हैं M24, तो M24 का पॉइंट हमेशा बंदे के हेड पे ही होना चाहिए। अगर हेड पे नहीं हुआ तो आप बंदे को नहीं पाओगे, ऐसा ही रहता है सेम ऑटोगन में। तो मेरी बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए पार्ट। तो अगले पार्ट में मिलेंगे हम M24 के साथ।